हाय गाइज, वेलकम बैक टू ए एस स्टडी ग्रुप। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड की जीके सीरीज ए, पार्ट वन में सीरीज ए चलेगी और इसी के साथ साथ में सीरीज बी सीरीज सी करके पार्ट वन को कंप्लीट करेंगे और जितनी भी इस सीरीज से पढ़ाई जाएगी आपको उसी से आपको रिलेटेड क्वेश्चन दिए जाएंगे और टिक मार्कर होंगे, उसमें आपको आंसर देना होगा। आपको प्रैक्टिस अच्छे से कराई जाएगी। इंग्लिश जीके आपको एक साथ पढ़ाई जाएगी, उसके बाद जीके और मैथ आपका एक साथ चलेगा, इंडियन कोस्ट गार्ड का यानी भारतीय तटरक्षक का। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले एक बार आप लोग लाइक करते हैं, अपने मित्रों को शेयर करते हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इंग्लिश वीडियो का भी, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम इतिहास पढ़ाएंगे, तो इतिहास को एक एक लाइन को देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। क्या पढ़ते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी पढ़ेंगे भारत की सबसे पुरानी सिंधु घाटी की सभ्यता थी। यह मिस्र व मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के साथ साथ 3350 और 2750 ईस्वी पूर्व पनपी भारत की इस प्राचीन सभ्यता का पता 1922 ईस्वी में डॉक्टर आर डी बैनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत के लरकाना जिले जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है तथा डॉक्टर डी आर डी साहनी ने हड़प्पा पंजाब के मोंटगोमरी जिले में खुदाई से पता चला। यह दोनों स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में हैं, लेकिन इस सभ्यता का विस्तार क्षेत्र वर्तमान के सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, राजस्थान, काठियावाड़ा तक था। कहाँ तक था? बलूचिस्तान, पंजाब, राजस्थान, काठियावाड़ा तक था। और इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता क्या है? देखिए, वैदिक सभ्यता भारत में सिंध व पंजाब की सरस्वती नदियों के बीच फली है। प्रोफेसर मैक्स मूलर ने विश्व की विभिन्न भाषाओं के अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि आर्य, यूनानी, पर्शियन, अंग्रेज आदि एक ही स्थान अर्थात मध्य एशिया से निकले हुए हैं, जो 2500 ईस्वी पूर्व आर्य लगभग भारत आए। ऋग्वेद की रचना काल 2500 ईसा पूर्व है। ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद, सामवेद तथा अर्थवेद की रचना हुई थी। ऋग्वेद विश्व की सबसे पुरानी पुस्तक है, इसमें 1028 सूक्ति हैं। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, यह सिंधु घाटी की तरह शहरी सभ्यता नहीं थी। महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय देखते हैं आगे। जीवन परिचय क्या है? इस धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के निकट लुमनी गांव में वर्तमान जो कि उत्तर प्रदेश में बस्ती नगर के उत्तर प्रदेश में स्थित है, शाक्य राजा शुद्धोदन व माता महामाया के घर हुआ था। कहां पर हुआ था? वर्तमान जो लुमनी गांव है उत्तर प्रदेश में, वहां के राजा से शुद्धोदन और माता महामाया उनके घर हुआ था महात्मा बुद्ध का जन्म। यशोधरा से विवाह किया था उन्होंने। एक पुत्र राहुल उत्पन्न हुआ, उनका पैदा हुआ, पश्चात घर त्याग दिया। यानी कि जब राहुल का जन्म हो गया था उसके बाद उन्होंने अपना घर त्याग दिया था। बचपन का नाम गौतम था महात्मा बुद्ध का। आधुनिक गया के निकट उरुवेला के जंगल में ज्ञान प्राप्त हुआ महात्मा बुद्ध को। पहला प्रचार उन्होंने सारनाथ यानी कि वाराणसी में दिया। 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पर मृत्यु हुई थी? कुशीनगर में, और जन्म हुआ था लुमनी गांव में। प्रश्न इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा कि महात्मा बुद्ध का जन्म किस जगह पर हुआ था, तो आपको बताना होगा कि उत्तर प्रदेश के लुमनी गांव में। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो आप बताना होगा कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में, और जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, ईसा पूर्व में उल्टा चला जाता भाई लोगों। ठीक है, अब हम देखते आएंगे जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकार हुए हैं। प्रथम तीर्थकार ऋषभदेव रहे हैं, जिन्हें आदिनाथ के भी नाम से जाना जाता था। 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ थे तथा 24वें अंतिम तीर्थ स्वामी महावीर थे। कौन थे? महावीर स्वामी थे। जैन धर्म का प्रवर्तक महावीर स्वामी का ही है। स्वामी
का महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व वैशाली के राज परिवार कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? राज परिवार कुंडग्राम में, नज़दीकी वैशाली में हुआ। इनकी माता त्रिशला व पिता सिद्धार्थ थे, इनके महावीर स्वामी के। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे आगे मराठा राज्य। मराठा राज्य क्या है? देखो, मराठों का उत्कर्ष, एक सेकंड, महान सेनानायक शिवाजी ने अपने बाहुबल से 1674 ईस्वी में दक्षिण भारत में मराठा राज्य की स्थापना की थी। छत्रपति शिवाजी 1674 से 80 ईस्वी के पश्चात उनका ज्येष्ठ पुत्र संभाजी 1680-89 ईस्वी, कनिष्क पुत्र राजा राम 1689-1700 राजा राम की पत्नी ताराबाई थी। सत्रह सौ सात ईस्वी में संभाजी का पुत्र साहू था। कौन था? संभाजी का पुत्र साहू, जो कि 1707-48 ईस्वी मराठा शासक रहे हैं। इतने लोग शासक रहे, कौन कौन रहा एक बार पुनः देख लें। छत्रपति शिवाजी 1674 से 80 ईस्वी पश्चात उनका ज्येष्ठ पुत्र संभाजी 1680-1689 ईस्वी, कनिष्क पुत्र राजा राम 1689-1717 ईस्वी, राजा राम की पत्नी ताराबाई 1717-1707 ईस्वी तक, और स्वर्गीय संभाजी का पुत्र साहू 1707-1748 ईस्वी तक मराठा शासक रहे हैं। कहने पर 1748। अब हम बात कर लेते हैं शिवाजी की। ठीक है, शिवाजी 1674 से 1680 तक रहे हैं। अहमदानगर के सरदार शाहजी भोसले के पुत्र थे शिवाजी। उन्होंने मुसलमानों से युद्ध करके अपना राज्य कायम कर लिया था, यानी कि युद्ध जीत गए थे शिवाजी। उन्होंने अजफल खान तथा इस्तफा खान को मारा। राजा जयसिंह ने धोखे से उन्हें पकड़वा दिया, परंतु वह चालाकी से आगरे के किले से बच निकले शिवाजी। 1674 ईस्वी में रायगढ़ के किले में उन्होंने छत्रपति राजा की उपाधि धारण की। 1680 में उनकी मृत्यु हो गई। कहाँ पर हुई? रायगढ़ के किले में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सिख राज की। अब हम बात कर लेते हैं सिख पंथ की। ठीक है, यानी सिख राज। इसमें सिख पंथ की स्थापना एवं गुरु, कौन कौन गुरु हुए, किसने स्थापना की सिख की? देखो, सिख पंथ के संस्थापक गुरु नानक देव थे। उनका जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी जिला सखपुरा पाकिस्तान में है, जिसे आजकल ननकाना कहते हैं। चिंतन तथा भ्रमण द्वारा उन्होंने बहुत ज्ञान प्राप्त किया और सिख पंथ की नींव डाली। किसने डाली है? गुरु नानक देव ने। आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा। वे समाज सुधारक थे और जाति पात तथा छुआछूत में विश्वास नहीं करते थे। सिख पंथ में 10 गुरु हुए हैं। प्रथम गुरु नानक देव थे, ठीक है, और दूसरे गुरु अंगद देव थे, तीसरे गुरु अमरदास, चौथे गुरु रामदास, पांचवें गुरु अर्जुन देव, छठे गुरु हरगोविंद, और सातवें गुरु हर राय, आठवें गुरु हर किशन, और नौवें गुरु तेग बहादुर, दसवें गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह, पांचवें सिख गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर, ठीक है, जो अमृतसर है वहाँ पर गुरु रामदास द्वारा शुरू किए गए स्वर्ण मंदिर को पूरा किया था। यानी कहने का मतलब, जो गुरु रामदास चौथे थे, उन्होंने अमृतसर जो स्वर्ण मंदिर है उसकी नींव डाली थी और गुरु अर्जुन देव ने उसको पूर्ण किया था। ये था सिख राज्य। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आपको मैं पुनः मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारतीय सेना।